ट्रेड एट 2? किरण बताइए। दोनों तरफ के ट्रेड्स है प्रदीप जी, पहले तो वेरी गुड आफ्टरनून। जिस तरीके से एक चार्ट पैटर्न बन रहा है मदरसन सुमी का, बहुत ही खराब चार्ट पैटर्न है और एक नेगेटिव डायवर्जेंस है, जहां पे मार्केट एक नया हाई कर रहा है, ये नया लो कर रहा है, तो मेरा मानना है ये स्ट्रांग बिकवाली का कारण बनता है। दूसरा एक कारण जो मैंने देखा है कि ऑप्शन चेन डेटा में 110 के पुट ऑप्शन में 100,000 शेयर्स आज ऐड हो गए, यानी इतनी सारी मंदी, टोटल पोजीशन है 300,000 की, 100 के पुट ऑप्शन में 91,000 के ओपन इंटरेस्ट एडिशंस देखने को मिल रहे हैं, एडिशन पुट्स बाय किए हुए हैं, टोटल ओपन पोजीशन है करीबन 2,50,000 की, तो ये कुल मिला के एक बहुत मंदी का पोजीशन देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि 115.20 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 116 यानी 1 रुपए के रिस्क है, और नीचे में जो टारगेट्स ऑप्शन चेन डेटा देते हैं मंडे तक, मेरा मानना है कि 105 और 100 रुपए ये टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए, तो 1 रुपए के रिस्क लेके एग्रेसिवली सेल करके चलना चाहिए, ये बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है। वैसे भी एंड ऑफ डे चार्ट्स का पैटर्न देखते हैं तो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, और उसका भी नेक्स्ट सपोर्ट अगर मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे देखते हैं तो वो करीबन 100 रुपए के करीब ही आ रहा है, तो मेरा मानना है कि ये एग्रेसिवली बेच के चलना चाहिए, टारगेट्स 105 और 100 ये मंडे के लिए टारगेट्स रहेंगे। किरण जी, आपको ध्यान में केंद्रित कराना चाहूंगा कोल इंडिया पर। यह शेयर फिलहाल 200 डीएमए के ऊपर आज गया है, काफी अच्छे नतीजे देखे गए थे इसके कल, आपकी राय कोल इंडिया पर? इसमें जबरदस्त रैली देखने को मिली करीब 230 से 254 रुपए, हालांकि दिन से ये सबसे नीचे चलता जा रहा है, लेकिन फिलहाल ये 200 डीएमए के ऊपर पहुंचा है और लगभग 2 महीने की हाई के आसपास है। चल जी, इसमें ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है, और वो लेवल है 255 पे और अभी ट्रेड हो रहा है 254.50 पे, तो ये 50 पैसे का अंतर है, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आज इसने गैप से खुला था, आज ओपन गैप थी वो भर दी गई है, तो अगर आज 255-256 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो मैं मानता हूँ ये ट्रेंड जो चल रहा है वो जारी रहेगा और इवेंचुअली ये टारगेट करीबन 274-275 तक ये स्टॉक जा सकता है, तो मेरा मानना है कि अभी भी लॉन्ग पोजिशन रखने चाहिए, मेरा पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 250 का, 4 रुपए का रिस्क लेके लॉन्ग पोजिशन बनाने चाहिए। एक स्टॉक पे और ध्यान देंगे, बर्जर पेंट्स, बहुत ही अच्छा प्राइस मूवमेंट, बहुत ही अच्छा वॉल्यूम बिल्डअप और ओपन इंटरेस्ट भी बहुत जबरदस्त बढ़ा है एक्सपायरी के पहले दिन, क्योंकि कच्चे तेल के दाम कम हुए हैं उस वजह से इनके जो रॉ मटेरियल कॉस्ट हैं वो शायद उनमें कमी आए, आपकी राय बर्जर पेंट्स पर? मेरा मानना है कि मंडे ट्यूजडे तक ये 340 के करीब जाना चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है, तो मेरा मानना है कि ये टेस्ट होने के बाद जो जिन्होंने बाय किया एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, इसके ऊपर के क्लोजिंग पे वापस एक बार रिव्यू ले लेंगे तेजी के लिए, पर मेरा क्रूड पे अगर क्रूड का चार्ट देखते तो मेरा अंदाजा यही है कि अगले 10-15 दिनों के अंदर ये 60 के नीचे के ट्रेड देखने को मिल जाने चाहिए, तो इनडायरेक्टली एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स इन स्टॉक्स के लिए एक अच्छी बात रहेगी, पर एक बार 340 पे रिव्यू ले लेना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, प्रश्न आपके लिए, बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम एक्सपेंशन और ये स्टॉक भी फिलहाल अपने 200 डीएमए से अपनी लड़ाई लड़ रहा है, इसमें दिन के ऊपरी स्थल से इसमें काफी कमी आती हुई दिखी, लगभग 12,000-12,25 के आसपास से, आपकी राय श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर जून की एक्सपायरी के लिए? आज मेरा मानना है कि सारी बाइंग जो आई वो करीबन 1172 के ऊपर ही आई, उसके पहले बाइंग नहीं आई कॉमन इन्वेस्टर्स की, और वो सारे ट्रैप हो चुके हैं, तो मेरा मानना है कि जैसे दिन ढलता है और मार्केट एंड होता नजर आ रहा है, तो मेरा मानना है कि इधर से थोड़ी सी और सप्लाई आ सकती है और 1150 तक नीचे आ सकता है, पर चार्ट पैटर्न मीडियम टर्म आउटलुक अगर देखते हैं तो मेरा मानना है कि पॉजिटिव है, अगर ये पोजिशनल व्यू रखते हैं और 1140 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजिशंस रखते हैं तो मेरा मानना है कि 1250 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात है कि निफ्टी के लिए 11,900-11,950 के ऊपर टिकना बहुत जरूरी है, जैसे ही 11,900 के नीचे जाएगा तो थोड़ा सा सप्लाई बढ़ती नजर आएगी और जो ट्रैप हुए पोजिशंस अनवाइंडिंग के खातिर आ जाएंगे और फिर वापस एक बार सप्लाई देखने को मिल सकती है। चलिए किरण जी, एक स्टॉक पे और नजर डालते हैं, इंडिया सीमेंट्स में आपको काफी बिकवाली का दौर दिख रहा है, लगभग 6.5% नीचे है, वो भी एक्सपायरी के पहले दिन, कोई खास डेवलपमेंट इसमें ऐसा जो आपको लगे चार्ट्स में दिक्कत करेगा जून के महीने में और शायद यहां से शॉर्ट कॉल ली जा सकती हो?
बेसिकली एक बहुत अच्छी मूव हमने 92 से लेके 116 तक देखी थी और उधर से एक अच्छा करेक्शन हो चुका है, वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांग है, तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा डाइसी है शॉर्ट पोजीशन लेना भी, क्योंकि सीमेंट में इन जनरल स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है चार्ट्स पे, तो जिनके पास शॉर्ट पोजीशन है उनके लिए मैं सिर्फ 108 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा, इसके ऊपर चलते ही शॉर्ट सारे अनवाइंड करने चाहिए, और जो शॉर्ट्स है वो एक गैप है करीबन 98-99 के लेवल्स पे, तो उधर तक अगर नीचे आता है तो एक बार शॉर्ट पोजीशंस कवर कर लेने चाहिए। आपके हिसाब से जहां पे हमें इस शेयर में बाइंग रिज्यूम करनी चाहिए, देखिए 17% तो स्टॉक गिर चुका, यहां से अगर और थोड़ा गिरता है तो कितना गिरेगा और वो कौन सा लेवल है जहां पे आप एनसीसी दोबारा खरीदेंगे? देखिए अगर ये व्यू है तो मेरा मानना है कि 91 से लेके 90 तक, ये 90-91 ये लेवल रहेंगी जहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये पहले एक रेजिस्टेंस का काम करता था, ये जो करेक्शन आई थी करीबन जनवरी फरवरी मार्च में वो जो मूव आया था उसका करेक्शन सिर्फ 90 तक ही आया था और उधर से एक रैली देखने को मिली, तो 90 एक इंपॉर्टेंट क्रूशल लेवल रहेगी, अगर इसके आसपास मिलता है तो बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए, शायद आपका जो व्यू है उसके हिसाब से वापस एक बार बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। क्या देखते हैं किस तरह की पोजीशंस हैं इसमें, क्या कोई ट्रेड बन रहा है किसी तरफ? ITC का एक्चुअली ब्रेकडाउन अपने शो चालू होने से पहले हो चुका था, 286 का लेवल था और हम देख रहे थे, पर मुझे शॉर्ट कॉल भी देना था पर टाइम ब्रेकडाउन उसके पहले आ चुका, तो मेरा मानना है कि अभी शॉर्ट करने की सलाह नहीं होगी क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं है, पर फिर भी ये मेरा मानना है कि 274 तक नीचे जा सकता है, जिनके पास शॉर्ट पोजीशंस है 284 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, 274-275 के लेवल आपको आज या सोमवार तक देखने को मिल सकते हैं। चलिए आधा घंटा निकल गया है ये शो शुरू करे हुए, ये बहुत बढ़िया समय है कि एक कॉल ने दोनों इंडिसीज पर। किरण जी आपसे शुरू मैं करता हूँ, एक्सपायरी का पहला दिन और ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी खासकर निफ्टी और बैंक निफ्टी में, लगभग 210 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी में और 1160 पॉइंट का मूवमेंट बैंक निफ्टी में, ये पहला ही दिन है और एक मेजर इवेंट हमारे सामने से निकल गया और एक मेजर इवेंट अगले महीने के आसपास ड्यू है, आप किस तरीके की पोजीशन लेंगे निफ्टी में फिलहाल ये देखते हुए? मेरा मानना है कि साइडवेज में रहना चाहिए आज तो, मेरा क्योंकि जो वोलेटिलिटी हमने देखी है वो बहुत ज्यादा है और दोनों बाजू के पोजीशंस ट्रैप हो चुके हैं, मेरा मानना है कि 11,900 बहुत क्रूशल लेवल रहेगा, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो थोड़ा सा पॉजिटिव रुझान रहेगा, इसके नीचे मुझे लगता है कि और भी मंदी हावी होती नजर आएगी, तो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में हूं, तो मेरा मानना है कि अगर जब कंफ्यूजन है तो कुछ ना करे तो ही अच्छा रहेगा, पैसे तो बचेंगे जी। ये है नेस्ले, 5 दिन से लगातार ये फिलहाल बढ़ रहा है और करीब 11,490 के आसपास चल रहा है स्पॉट मार्केट्स में, आपकी राय नेस्ले पर? काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न देखने को आ रहा है और मेरा मानना है कि ये थोड़ी दिन में करीबन 11,700 के करीब चलता नजर आएगा, तो मेरा मानना है कि लॉन्ग पोजिशन बने रखने चाहिए और इतने बड़े टारगेट्स के लिए, पोजिशनल टारगेट्स के लिए मेरा स्टॉप लॉस 11,420 के करीब रहेगा, तो मेरा मानना है कि इधर से एक 50-60 रुपए की रिस्क लेके लॉन्ग पोजिशन रखनी चाहिए, ऊपर में 11,700 के लेवल सबको अगले हफ्ते देखने को मिल जाने चाहिए। चलिए जी हाँ, इसी सेक्टर में एक और शेयर पर नजर डालते हैं, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, 2 दिन की गिरावट के बाद इस शेयर में आज काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, वॉल्यूम बहुत जबरदस्त है, 684 रुपए के आसपास चलता हुआ, किरण जी आपकी राय गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर? शेयर जी अगर आप अभी नहीं बोलते थे तो मैं अभी हाथ ऊपर ही करने वाला था इस स्टॉक के लिए, काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है, आज दिन भर कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है, मार्केट में इतना बड़ा करेक्शन आ गया इसमें कुछ भी करेक्शन नहीं आया और अभी वापस वो कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहा है, मेरा मानना है ये बाय करके ही चलना चाहिए और दोपहर को करीबन 12:30 बजे 11:30 बजे सवेरे 11:30 बजे आपके इंग्लिश चैनल पे मैंने इसी स्टॉक का रिकमेंडेशन दिया था और इसका टारगेट मैंने करीबन 697 से लेके 707 के टारगेट दिए थे सोमवार के लिए, तो ये बाय कॉल ही है, मेरा मानना है कि बाय करके ही चलना चाहिए। इस चार्ट पे आप क्या देखते हैं, क्या पोजीशंस बन रही हैं, क्या कोई मौका है रिकवरी का? बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है और जो डिसेंडिंग चैनल ब्रॉडली मार्च अप्रैल मई में हमने देखा है 3 महीनों में,
उसका हायर एंड टेस्ट जरूर करता नजर आएगा। मेरा मानना है कि पोजिशनल व्यू के हिसाब से 760-765 के लेवल्स टेस्ट होंगे और लॉन्ग पोजीशंस के लिए 735 का नजदीक वाला स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। लॉन्ग पोजीशंस बने रखने चाहिए, जल्दबाजी में इसमें बिकवाली नहीं करनी चाहिए। इसका दूसरा कारण है कि पिछले सीरीज में बहुत शॉर्ट्स थे, ये शॉर्ट्स इस महीने में रोल ओवर हो चुके हैं, तो जैसे जैसे 750 के ऊपर आएगा तो शॉर्ट कवरिंग के रैली की वजह से इधर एक अच्छी अपमूव एक्सपेक्टेड है जी। बहुत जबरदस्त एक बाउंस बैक देखा गया, ये फिलहाल 1 जनवरी 2016 की लो के आसपास चल रहा है बॉश, और वैसे तो 2.2% ही ऊपर है, लेकिन काफी अच्छा इसमें वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट का इजाफा देखा जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, ये स्टॉक बॉटम आउट हो गया या नहीं? बॉश के बारे में एक मिनट पहले बात करूंगा, एक ब्रेकआउट आ रहा है तो आ गया है, तो मैं इससे बारे में पहले बात करना चाहूंगा जी। उज्जीवन बाय करके चलना चाहिए इमीडिएटली, अभी अभी ब्रेकआउट हुआ है और बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट है, ये रिकॉर्ड वॉल्यूम्स के साथ है। मेरा स्टॉप मंडे के लिए पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा 356 का, 363 पे ट्रेड कर रहा है। आज के टारगेट्स 370 के देखने को मिल जाने चाहिए और मंडे के टारगेट्स काफी बड़े 385-390 की बात करूंगा, तो मेरा मानना है कि उज्जीवन में बहुत ही शानदार मूव देखने को मिल जाना चाहिए। आते हुए बॉश में मेरा सॉरी बोलिए आप शुरू कीजिए बॉश पे बात। ओके सर, तो बॉश पे भी एक अच्छा ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न देखने को मिल रहा है, काफी अच्छा, काफी बीटन डाउन स्टॉक है और इधर से मैं मानता हूँ ये पुल बैक रैली करीबन आपको 19,000 तक ले जा सकती है, पर जिस तरीके के वॉल्यूम्स है मेरा मानना है कि स्टॉप लॉस बहुत नेसेसरी है क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड खराब है, तो 17,400 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। आपने जाधव साहब उज्जीवन पर ओपिनियन दिया है, एक्विटास के बारे में बताएं, देखिए बहुत जबरदस्त तरीके से फिलहाल बढ़ता हुआ 140 के ऊपर, ये भी चार्ट पैटर्न बहुत शानदार है, 142 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, निकल जाएगा, मुझे कोई डाउट नहीं है इसमें। इक्विटास, उज्जीवन, ये दोनों ही स्ट्रांग है, पर अगर रिलेटिव कंपेयर करें तो मेरा मानना है कि उज्जीवन ज्यादा स्ट्रांग है। इक्विटास में एक बार 142 निकल जाए तो इसमें एक बहुत बड़ी मूव देखने को मिल जानी चाहिए। मेरा मानना है कि नेक्स्ट पोजिशनल के हिसाब से 154-156 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए अगले हफ्ते। ये मुथूत फाइनेंस पर बहुत जबरदस्त एक बिल्डअप देखा जा रहा है, दो दिन से लगातार ये शेयर ऊपर है और रिकॉर्ड हाई की तरफ जाता हुआ, आपकी राय मुथूत फाइनेंस पर फिलहाल 650 रुपए पर? देखो सारे फाइनेंशियल स्टॉक्स मेरा मानना है कि एक पॉजिटिव रुझान ही दिलाते नजर आ रहे हैं, तो मेरा मानना मुथूत फाइनेंस भी उससे कुछ कम नहीं है, इधर 643 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस में रखना चाहिए, मंडे को ऊपर के भाव देखने को मिल जाने चाहिए सोमवार को, और अभी ये ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में प्रवेश कर दिया है इस स्टॉक ने, तो मेरा मानना है कि इधर से मार्केट आउट परफॉर्मेंस ये स्टॉक भी दिलाता नजर आएगा। और टारगेट्स के बात करें तो मेरा पहला टारगेट करीबन 675-680 के लेवल्स रहेंगे जो कि सोमवार मंगलवार को देखने को मिल जाने चाहिए। प्रश्न आपके लिए, आईटीसी पे आपने शो के शुरू में आते ही बात करी थी, और दिन का लो लगता हुआ और बड़ी जबरदस्त वॉल्यूम के साथ ये शेयर गिरा है पिछले 5 मिनट पर, आपकी राय आईटीसी पर दोबारा? हाँ, 274 के टारगेट्स मैंने कहे थे, तब करीबन 283 के करीब था शायद, पर मेरा मानना है कि 274 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। अभी आपका स्टॉप लॉस जो 287 था वो 283 पे लेके आना चाहिए ताकि जिनके शॉर्ट पोजीशन है उनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। आईनॉक्स पर किरण क्या चार्ट चेक कर रहा है? चार्ट एक स्ट्रॉन्ग है, चार्ट पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरा मानना है कि ये पोजिशनल व्यू रहेगा, स्टॉप लॉस 360 के करीब रखना चाहिए और टारगेट्स 400 प्लस के देखने को मिल जाने चाहिए अगले हफ्ते, तो मेरा मानना है कि इस काउंटर में काफी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, होल्ड करके चलना चाहिए, वॉल्यूम भी काफी स्ट्रॉन्ग है। आपके लिए ये प्रश्न, कौन सा ऐसा बैंक दिखता है आपको बैंक निफ्टी में जो जून के महीने में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा? आज अगर आप देखें तो 12 में से 11 बैंक्स नीचे चल रहे हैं, सिर्फ एक इंडसइंड बैंक है जो फिलहाल ऊपर है और वो भी 0.5%। तो अगर पूरी बैंकिंग बास्केट की पिक्चर ली जाए, आपको कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बैंक लगता है जून की एक्सपायरी के लिए? देखिए पीएसयू में एक ही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि स्ट्रेंथ दिलाता नजर आ रहा है, 350 के ऊपर क्लोज कर रहा है, तो ये एक स्ट्रेंथ दिलाना नजर आ रहा है। और दूसरा रहेगा ICICI बैंक, जहां पे मेरा मानना है कि जो करेक्शन आज देखने को मिली
वो काफी बाउ डाउन थी क्योंकि नीचे 416 415 के लेवल्स के बाद एक बहुत अच्छा पुल बैक रैली देखने को मिली. तो ये दो काउंटर्स रहेंगे जहां पे मेरी नजर रहेगी जून सीरीज के लिए. चलिए आईसीआईसीआई बैंक पे आपकी नजर है. जादव साहब, मैं ना कुछ डेटा देख रहा था सेंसेक्स पर, जो आपको ईयर टू डेट और वन ईयर रिटर्न देखने को मिलता है. उसमें तीन बैंक्स बड़े ज़बरदस्त ईयर टू डेट के हिसाब से बड़े हुए हैं. उनमें आईसीआईसीआई बैंक जाहिर बात है लगभग 19% इसने जनवरी 1 से रिटर्न दिया है सेंसेक्स पर, और बाकी हैं एक्सेस, कोटक और एसबीआई, लगभग 31%, 22% और 20% रिस्पेक्टिवली. एक्सेस और कोटक में आपकी कोई पसंद होगी? ये तीनों बैंक्स बेसिकली स्ट्रांग है. मेरा ये मानना है कि ये तीनों के तीनों यानी चारों के चारों स्टॉक्स चलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है. अगर निफ्टी को 12,000 और उसके ऊपर के लेवल्स तय करने हैं तो ये बैंक्स के पार्टिसिपेट होने ही चाहिए. पर अगर टेक्निकली अगर व्यू देखा जाए तो मेरा एक्सिस बैंक पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 800 के ऊपर डे एंड क्लोजिंग बेसिस पे. अगर इसके ऊपर क्लोजिंग रहती है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. नेक्स्ट मूव आपको 820 के ऊपर देखने को मिलेगी जो कि बहुत स्ट्रांग रहेगी. फिर टारगेट्स करीबन 835-840 बहुत जल्द देखने को मिलेंगे. तो मेरा मानना है कि अंडर करंट स्ट्रांग है इन स्टॉक्स में, बिल्कुल हर गिरावट में बाय करके चलना चाहिए. और जैसे मैंने कहा स्टॉप लॉस जो है वो स्ट्रिक्ट एंड ऑफ डे बेसिस पे रखना चाहिए. ये सौदा क्या आपको भा रहा है 75 के आसपास, क्या लेंगे? दिक्कत यही है 75 से आगे 90 जाते हैं और फिर घूमकर लोअर लेवल्स आते हैं, तो क्या ये वही ट्रैजेक्टरी में बढ़ रहा है अब? नहीं, मेरा मानना है कि ये अभी एक रेंज से बाहर निकल रहा है. आज की क्लोजिंग इसकी 75-76 के ऊपर अगर मिलती है तो मैं ब्रेकआउट मानूंगा. और फिर टारगेट्स जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 79, वो एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा जो पहला टारगेट रहेगा. और उसके बाद 85, ये दो तीन टारगेट रहेंगे. तो मेरा मानना है कि बाय करके ही चलना चाहिए. 74 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस या 73-80 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग पोजीशंस बनाने चाहिए. दो काउंटर्स है और रडार पे जिसमें मैं कमेंट करना चाहूंगा. हर्षदा जी जी कहिए. वी गार्ड एक काउंटर है जिसमें बाय करके चलना चाहिए अभी. इसने कल का टॉप इसने क्रॉस किया है और खराब मार्केट में अगर ये परफॉर्म करता है तो थोड़ा सा मार्केट सुधर जाए तो और भी परफॉर्म करता नजर आएगा. मंडे के लिए टारगेट्स 246-248 के देखने को मिल जाने चाहिए और स्टॉप लॉस 235 का नजदीक वाला रहेगा. ये एक काउंटर रहेगा जो कि काफी अच्छा स्ट्रांग मूव दिलाता नजर आ रहा है. चलिए वी गार्ड पे बाय करके चलिए. फिलहाल 4 रुपये ऊपर चल रहा है, 235-265 के आसपास दिन के सबसे उच्चतम स्तर पर. ये राय है जाधव साहब की. किरण जी, ये प्रश्न आप ही से है. और टाटा ग्लोबल पे अगर आप नज़र देखें तो शायद इसमें एक ब्रेकआउट है, लगभग मार्च 9 के हाई के आसपास चल रहा है. काफ़ी अच्छा प्राइस करेक्शन, माफ कीजिए प्राइस में इजाफा, और वॉल्यूम भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक है. इस स्टॉक में हमने रैली देखी मई के महीने में, क्या उम्मीद लगा सकते हैं जून के लिए? जून के लिए एक परफेक्ट बाय कैंडिडेट है. इसमें एक परफेक्ट टेक्स्ट बुक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है अच्छे वॉल्यूम के साथ. तो मेरा मानना है कि ये करीबन 270-280 की बात करूंगा इन लेवल से, और मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ 236 का रहेगा. यानी 6-7 रुपए के रिस्क है और काफी इधर से करीबन 40 रुपए के रैली देखने को मिल जानी चाहिए. अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो का स्टॉक रहेगा ये काउंटर. 808 के आसपास ये दिख रहा है मेरी स्क्रीन पर, क्या आप लेंगे? सिंफनी मेरा मानना है कि अभी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में नहीं है. ब्लू स्टार की बात हो रही है, ब्लू स्टार जो अब 3% ऊपर और इसी घंटे चला है, 1.5% पहले ऊपर था, बाकी 1.5% की तेजी इसने अभी जोड़ी है स्क्रीन पर. ब्लू स्टार बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए. ये एक पोजिशनल व्यू रहेगा और मेरा स्टॉप लॉस 3790 का रहेगा. और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ कि लेवल्स ऑफ 840 देखने को मिल जाने चाहिए ट्यूजडे वेनसडे तक. फिलहाल ये 11,510 के पास पहुंचता हुआ लगातार 5 दिन की तेजी, आप अपना बाय कॉल इस पे बरकरार रखेंगे? बिल्कुल, मेरा मानना है कि जो टारगेट है मैंने जो दिला था कि 11,700 का सोमवार मंगलवार तक वो आ जाना चाहिए, और जो मैंने स्टॉप लॉस दिया था 11,400 का वो अभी 11,450 कर लेना चाहिए. अगर आपने इसका चार्ट पढ़ा हो, ये एक कंप्लीट यू टर्न दिखा रहा है, चार्ट पर भी एक हल्का सा यू बनता हुआ. क्या 172 पर सुबह का या दोपहर का कोई शॉट है, कवर कर लें?
बिल्कुल कवर कर लेना चाहिए, स्ट्रांग वॉल्यूम्स के साथ एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है और जहां पे डेज हाई के करीब क्लोज हो रहा है, तो मेरा मानना है कि मंडे ट्यूसडे के लिए 178 के टारगेट्स मान के चलने चाहिए, 170 का स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग पोजीशंस के लिए। अगर आप इमामी भी देख लें या जिलेट भी देख लें, जिलेट के वॉल्यूम्स कम है इसीलिए इसको हमने ज्यादा डिस्कस नहीं किया, इनमें से कोई ट्रेड जो आप लेकर चलना चाहेंगे सोमवार के लिए? नहीं, लिक्विडिटी का कंसर्न है इसलिए दोनों ही काउंटर्स में अवॉइड करने की सलाह दूंगा। और थोड़ी देर पहले वीगार्ड का कॉल दिया था, वीगार्ड का टारगेट अचीव हो गया है, वीगार्ड का मैंने कॉल दिया था 237 238 का के करीब और 245 के टारगेट्स बोले थे, 245 आ गया है। चार्ट चेक दीजिए, क्या लें? पेट्रोनेट जी, पेट्रोनेट में मेरा मानना है कि चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रांग है, एक थोड़ा सा रेंज में अटक गया है, पर मेरा मानना है कि इवेंचुअली ये रेंज निकल जाएगा। 250-251 एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है, इसके ऊपर एक बार निकलेगा तो फिर 270-275 की बात होगी। तो करंट लेवल 247-50 के करीब ट्रेड कर रहा है और 2-3 रुपए का जो सप्लाई है वो एक बार निकल दे फिर इसमें एक नया मोमेंटम देखने को मिल जाना चाहिए।